वाह, ये जो क्राउड भीड़ जो बाहर बाहर से आती है, अन्य देशों से भी आते हैं श्रद्धा सुमन लेके और अपना मनोकामना के लिए, क्योंकि बाबा दरबार है, यहाँ कोई खाली जाता नहीं है, जो मुझे अनुभव है, जो मुझे विश्वास है। हेलो, रही बात, कुछ कुछ बातें जो आई, पौष पूर्णिमा अब दो चार दिन ही बाकी है और हम सभी जानते हैं कि इस अवसर पे गंगा जमुनी की जो तहजीब है, खास करके झारखंड के इस पवित्र नगरी खगड़िया में, उसी नदी के तीर में बामदेव लंका बाबा का समाधि स्थल है और क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी यहाँ चादर पोसी के लिए पौष पूर्णिमा के दिन आता है। इस बार पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है और हम सभी जानते हैं कि लाखों की तादाद में भक्तजन यहाँ पे आते हैं और कई प्रदेशों ही नहीं, बगल के नेपाल, भूटान और तिब्बत के भी लोग यहाँ पे बाबा के भक्ति में लीन होने के लिए आते हैं। तो इस पूरे सजावट को, इस पूरे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमारे सामने इसी की ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे SDPO खोरी महुआ मुकेश कुमार महातो साहब पहुँचे हैं लंका बाबा के समाधि स्थल पे। हम गर्भगृह से आपसे मुखातिब हैं सर। 22 जनवरी एक खास दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या के 500 साल के इतिहास के उस मंदिर में जो अभी भव्यता के रूप लिया है, और ऐसे इसको लेकर के पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है, एक तैयारी का माहौल है, छिटपुट घटनाएं भी इस क्रम में शोभा यात्रा वगैरह को लेकर के हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रेशर पुलिस प्रशासन पे ज़्यादा है। और फिर दो दिन के बाद यहाँ पे जो मेला लगता है, 115 साल हो गए लंका बाबा का मेला में, यहाँ भी लाखों के तादाद में भीड़ जुटती है, तो क्या तैयारी है सर? जी धन्यवाद आपको विजय चौटेसर जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में, पहले तो मैं 22 तारीख का तैयारी का आपने पूछा, 22 तारीख की तैयारी है पूरे अनुमंडल क्षेत्र में, प्रत्येक थाना में बैठकें हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों द्वारा हो गई और सभी ने एक मत होके जो है ना, ये राम श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको उस दिन को सफल बनाने के लिए सबको आश्वस्त किया है। हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी मुस्तैद रहेंगे, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे और अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है बाहर से अलग अलग कंपनियां जो है आई हुई है। निश्चित तौर पे जो है आप बताए कि 22 के जस्ट बाद 25 को यहाँ मेला लगना है। आज हम लोग इसी क्रम में एक बैठक यहाँ किए जिसमें जो भी छोटी बड़ी कमियां रह जाती है उस पर भी विचार हुआ और सभी लोग यहाँ पे जो लंका बाबा परिवार के है, सभी कोई ने अपनी अपनी बातों को रखा। निश्चित तौर पे ये लंगेश्वरी बाबा का जो मंदिर है 115 साल से चला रहा है मेला है, जिसमें देश विदेश से भी लोग आते हैं, भूटान नेपाल से लेके हर जगह से यहाँ लोग आते हैं और अपना मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। एक चुनौती है लेकिन हम लोग ने पूरी तैयारी की है, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो गर्भगृह में हम लोग है अभी, वहाँ महिला पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहेगी, चोर उचक के ऊपर भी हम लोग CCTV से नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है तीसरी आंखें हम लोग ने सभी जगह ड्रोन कैमरा भी जो है कंटिन्यू चलेगा, ये निगरानी रहेगा। हम लोगों की कोशिश है कि शांतिपूर्ण संपन्न हो, हमारे पुलिसकर्मी सादे लिबास में भी रहेंगे और जितने अगल बगल थाने के वरीय पदाधिकारी है, सब इंस्पेक्टर सभी को इसमें लगाए जाएंगे और सारा व्यवस्थित ढंग से होगा। नहीं, एक तो चुनौती आपके साथ ये भी है सर कि आप तो चलिए पुराने हैं, आज का आपका तीसरा वर्ष है इस पवित्र समाधि मेले में, ये बड़े सौभाग्य से शायद बहुत कम पदाधिकारियों को नसीब होता है, तो आप उसमें से हैं, लेकिन जो आपके जो कनिष्ठ हैं पदाधिकारी वो बहुत सारे नए हैं, कुछ एक दो पुराने भी हैं, तो ऐसे में नए लोगों को तैयार करना आपको इस पूरी तैयारी के लिए एक थोड़ा सा कठिन लग रहा है। जी, इसी के लिए हम लोग ब्रीफिंग डीब्रीफिंग होता है जी, हर
जो है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक जो है हम लोग ब्रीफिंग डिब्रीफिंग करते हैं, उसके माध्यम से सभी जो नए पदाधिकारी है जो पिछले साल नहीं थे यहाँ पे, उसे हम लोग ब्रीफिंग करके और जहाँ जहाँ जो चीजें है ट्रैफिक को कैसे रोकना है, कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग लगना है, इस विषय पर हम लोग जो है आपसी तालमेल बना के और इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को ये बताना चाहता हूँ कि आप आए, पुलिस प्रशासन आपके सहयोग के लिए आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा और मैं खुद भी रहूँगा, इसलिए आप आए और बाबा से प्रार्थना कर अपनी मनोकामना मांगे। जी, ये एक समस्या है कि यहाँ पे आती है सर कि बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहता है, खास करके पुरुषों की भी रहती है कि उसके जो कीमती जेवरात है वो चोर उचक्के काट लेते हैं, चेन स्किनर काट लेते हैं, तो बिल्कुल आपको क्या संदेश रहेगा सर भक्तों के लिए, क्या संदेश? बिल्कुल विजय जी, आपने बहुत ही अच्छा बात जो मैं मेरे से छूट गया था, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालु है मैं उससे को आह्वान या प्रार्थना करता हूँ कि आप कम से कम जेवरात पहन के आए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जेवरात लेके ही ना आए और पर्स भी लेके ना आए, बहुत जरूरी चीजें हैं, या तो आप उसको अपना गाड़ी में लॉक करके रख दे या तो घर से लाए ही नहीं। जितने कम से कम आपका रहेगा तो वो मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम जो है जो जेवर होते हैं जो गोल्ड का या सिल्वर का, वो कम से कम लेके आए। बिल्कुल, बाबा वस्त्रों को त्याग दिए थे, लंटा बाबा नाम है इनका, तो हम उनके अनुयायी हैं, तो हमारे चैनल की तरफ से भी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप आए जरूर चादर पोसी के लिए, लेकिन आप उसी श्रद्धा भाव से आए, आप अपने कीमती जेवरात या कीमती जो चीजें हैं आपकी वो आप अपना घर में रख करके आए। सर ये आपने बहुत जगह ड्यूटी दी होगी एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर, ऐसे स्थान बहुत कम है जहाँ हिंदू और मुस्लिम इस तफरके के माहौल में एक साथ चीजों को संवारता है और शीश झुकाता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस हुआ के गर्भ गृह से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं मेरा तीसरा अनुभव है ये, मैं बिल्कुल ही यहाँ सभी जाति धर्म के लोग जो भारत की संस्कृति सभ्यता रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लंगोसर बाबा के मंदिर में, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते हैं और एक कहा जाए तो एकता के साथ में और सभी सेवा भावना से जो है यहाँ कार्य करते हैं और जो लंगेश्वरी बाबा के जो उद्देश्य है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये गंगा जमुनी तहजीब की चीज है और पूरा भारत हमारा इसी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, तो 22 जनवरी का भी जो आयोजन है रामलला के प्रतिष्ठा प्रस्थापन का, हम समझते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसको त्यौहार के रूप में मनाएं और फिर दो दिन के बाद जो ये लंगेश्वरी बाबा का मेला है हम लोग सभी साथ में ताजा चादर पोसी करें। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद।